नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ अच्छे योग या राजयोगों की। अच्छे योग हैं, राजयोग हैं, तो जीवन में हमें सुख समृद्धि यश और प्रसिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से योग हैं उनके बारे में मैं इधर लिखूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा और इधर कुंडली बना के समझाऊंगा। सबसे पहला योग जो मैं ले रहा हूँ ये चतुसागर नाम का योग है। चतुसागर, चतु का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा चार। जन्म कुंडली में चार केंद्र होते हैं, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और दसवां घर, इसे हम केंद्र स्थान बोलते हैं। ये हमारी जन्म कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं। तो चतुसागर नाम का राजयोग तब बनेगा जब किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें और दसवें घर में ग्रह हो। इन चारों केंद्रों में ग्रह होने से चतुसागर नाम का राजयोग बन जाता है। यानी इन चारों घरों में कोई ना कोई पिंड होना चाहिए। पिंड होना चाहिए मतलब राहु और केतु को छोड़ के, अगर राहु केतु हो तो उनके साथ कोई ना कोई दूसरा ग्रह भी होना चाहिए, तब यह बहुत मजबूत राजयोग बनेगा। अगर राहु केतु अकेले होंगे, उनके साथ कोई नहीं होगा, तो थोड़ा कमजोर योग बनेगा। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए मंगल है, यहाँ शनि बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ बुध बैठा हुआ है, अब यह प्रबल चतुसागर नाम का राजयोग बन गया है। जिसकी कुंडली में चारों केंद्र में ग्रह होंगे उसकी कुंडली में चतुसागर नाम का एक अच्छा राजयोग बन जाता है। इस राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सुख, धन, संपत्ति आदि बहुत अच्छी कमाता है। दूसरा जो योग होता है उसे बुधादित्य योग बोला जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध यह योग है और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। जब किसी भी कुंडली में सूर्य और बुध की युति होती है तो इसे बुधादित्य योग बोला जाता है। यहाँ पे सूर्य किस चीज़ का कारक ग्रह है और बुध किस चीज़ का कारक ग्रह है। सूर्य व्यक्ति को प्रकाश देता है, यानी सूर्य व्यक्ति को क्या देता है, विवेक देता है, ज्ञान देता है। सूर्य हमारे शरीर में किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे मस्तिष्क का। सूर्य हमारा मस्तिष्क है और बुध हमारा क्या है, बुद्धि है। तो मस्तिष्क में अगर बुद्धि का वास हो जाए तो मस्तिष्क तो सबके पास है, लेकिन अगर उसमें बुद्धि का वास हो जाए तो बड़ा अच्छा माना जाएगा। सूर्य क्या है, राजा है। सूर्य क्या है, एक राजा है। और राजा क्या बनाता है, अनुशासन बनाता है, नियम बनाता है। राजा अनुशासन और नियम का कारक है। और बुध, बुध क्या है, बुद्धि है। तो अगर बुध और सूर्य का प्रभाव एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसकी बुद्धि उस व्यक्ति को अनुशासन में रखती है। व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग अनुशासन में रह करके करता है। व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग विवेक लगा करके ही करेगा। व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्तम क्वालिटी की अच्छी बुद्धि का वास होगा अगर बुधादित्य योग बनेगा। किसी भी भाव में सूर्य और बुध की युति होनी चाहिए। मान लीजिए इसी भाव में सूर्य महाराज हैं और यहां पर बुध हैं, तो अब बुधादित्य योग बन गया। लेकिन इस योग में बुध अस्त ना हो तो और भी अच्छा योग बनेगा। बुध अक्सर सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाता है।
यह योग तब बहुत बेहतर बनेगा अगर सूर्य और बुध के बीच 12 अंश का अंतर हो। इनके बीच में 12 डिग्री का अंतर होगा तो यह योग बहुत प्रबल रूप से बनेगा। मान लीजिए इसी भाव में सूर्य 5 डिग्री का हो और इसी भाव में बुध 17 डिग्री का हो तो बहुत ही अच्छा बुधादित्य योग बना हुआ है। बुधादित्य योग व्यक्ति के बुद्धि विचार मस्तिष्क को दार्शनिक बना देता है, व्यक्ति बहुत अच्छे तर्क देता है, व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा काम करता है कि कहाँ कब क्या कैसे करना है। अब अगर किसी कुंडली में, मान लीजिए इसी कुंडली में सूर्य महाराज यहाँ पहले भाव में बैठे हुए हैं लेकिन बुध महाराज द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, कुंडली के योगों को देखने का ये गूढ़ विषय है। सूर्य प्रथम भाव में बैठे हुए हैं 27 डिग्री के हैं और बुध द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं 5 डिग्री के हैं तो भी बुधादित्य योग बनेगा। हमेशा जब भी दो ग्रहों की युति हम देखते हैं तो वह भाव से नहीं देखी जाती है, हमेशा ग्रहों की युति उनकी डिग्री उनके अंश के अंतरों से देखी जाती है। इसी को हम भाव मध्य बोलते हैं, भाव मध्य निकाला जाता है हर भाव का और उस भाव मध्य के अंदर जो जो ग्रह पड़ते हैं वो जो है युति में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर 27 डिग्री का है और बुध 5 डिग्री का है तो दोनों के बीच यहाँ 3, 27, 28, 29, 30 के बाद फिर सूर्य इस भाव में एक अगली राशि में आ जाएगा और जीरो से अपनी गति शुरू करेगा, 0 अंश 1 अंश 2 अंश, तो 3 यहाँ पर मिला 5 यहाँ, यानी यहाँ पर अंतर 8 अंश का है। अगर अंतर दो ग्रहों के बीच में अंश के अनुसार 30 अंश से अधिक का होता है तब उसे युति नहीं मानी जाती है। अगर सूर्य इसी भाव में प्रथम भाव में एक, मान लीजिए सूर्य इसी प्रथम भाव में हो गया 15 डिग्री का और बुध इस भाव में हो गया 28 डिग्री का तो अब बुधादित्य योग नहीं है क्योंकि सूर्य 15 डिग्री पर है और इस राशि में जहां पर बुध बैठा हुआ है या इस भाव में 15 डिग्री तक ही आने पर 30 डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो अब बुधादित्य योग नहीं बना हुआ है। इस चीज का आप योगों में ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो दिख रहा है वही है, कभी कभी बहुत सारे योग जो दिखते नहीं है वो भी कुंडली में उपस्थित हो जाते हैं और पूरा प्रभाव देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। अब यहीं पर दूसरे योग की हम चर्चा करेंगे। बुधादित्य योग बहुत अच्छा योग है, यह व्यक्ति को बुद्धि ज्ञान और मस्तिष्क अच्छा प्रदान करता है। दूसरा योग बनता है बुध और शुक्र की युति से। बुध का ग्रह कौन, बुध के देवता कौन से हैं, भगवान विष्णु, और शुक्र लक्ष्मी जी के कारक माने गए हैं तो बुध और शुक्र की युति से, बुध अगर कुंडली में एक तरफ है और उसी के साथ में शुक्र है तो इसे लक्ष्मी नारायण योग क्यों बोला जाता है, लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है और बुध नारायण है, दोनों का एक साथ होकर के लक्ष्मी नारायण योग बनता है। शुक्र जो है लग्जरी है लाइफ में और बुध जो है बुद्धि है, यानी इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में लग्जरी आने पर भी व्यक्ति अपना बुद्धि विवेक खोता नहीं है, व्यक्ति के पास धन आ जाता है, लग्जरी सुख साधन आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने पुराने दिनों को भूल जाता है या अच्छे कर्मों को भूल जाता है, जो है व्यसन की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब भी बुध शुक्र के साथ बैठेगा तो जीवन में खुशियां आएंगी लेकिन बुद्धि उस पे हावी रहेगी, बुद्धि उसको कंट्रोल करेगी, जीवन को बिगड़ने नहीं देगी। और यह योग भी ठीक इसी तरीके से बनेगा जैसे बुधादित्य योग बनता है, अगर किसी भी भाव में बुध और शुक्र की युति है तो यह योग बन जाएगा। अगर ये दोनों दो अलग अलग भावों में है, यानी आगे पीछे के में है और इनके बीच की जो डिग्री है वह 30 अंश से कम का अंतर होगा तो भी यह योग बनेगा।
अंतर जितना कम होगा योग उतना अधिक प्रबल होगा, लेकिन सेम डिग्री भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी योग में अगर दो ग्रहों की डिग्री सेम हो जाती है तो वहाँ पे ग्रह युद्ध छिड़ जाता है, यानी एक ही पॉइंट पर बैठने के लिए। अब तीन अंश पे मान लीजिए बुध भी पहुँच गया और तीन अंश पर शुक्र भी बैठा है, तो उसी तीन अंश पर दोनों बैठने के लिए आपस में उहापोह में हो जाएंगे, तो इसी को ग्रह युद्ध बोला जाता है, जिसके बारे में आगे आपको और विस्तार से जानकारी भी मिलेगी। तो यह योग मान लिया, इसको मैं फिर से एक बार दूसरे उदाहरण से समझाऊंगा। शुक्र तृतीय भाव में है और 18 डिग्री का है, और बुध जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और 5 डिग्री का है। तो जब शुक्र यहाँ पर 18 डिग्री का है तो इस भाव में जब 18 डिग्री जहाँ पूरी होगी तब शुक्र से 30 अंश की दूरी पूरी होती है, लेकिन बुध कहाँ बैठा है, 5 अंश पर ही बैठा हुआ है, तो भी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव इस कुंडली में मिलेगा। इसी प्रकार से अशुभ योग भी काम करते हैं। मान लीजिए अंगारक दोष आपको देखना है, मंगल इस भाव में बैठा हुआ है 28 डिग्री का और राहु इस भाव में बैठा हुआ है, राहु यहाँ पर है 5 डिग्री का, तो दोनों के बीच अंतर कम है तो भी यहाँ पर प्रभाव बनेगा। राहु की वक्र गति भी इधर को ही लेकर के जाएगी, अगर राहु यहाँ होता मंगल यहाँ होता तो राहु की वक्र गति राहु को इधर ले जाती और मंगल इधर आता तो भी यह योग बनता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा डिग्री वाइज योगों का प्रयोग करना है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में बात आ रही होगी। अब अगला योग देख लेते हैं। अगला योग जो हमारी कुंडली का होता है वो होता है केंद्र त्रिकोण राज योग। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है। किसी भी कुंडली में पराशरीय नियम से राजयोगों की व्याख्या करनी है। हर कुंडली में कुछ ग्रह कारक होते हैं और कुछ ग्रह मारक होते हैं, कुछ ग्रह त्रिकोण के स्वामी होते हैं और कुछ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी कुंडली में आप सबसे पहले देखिए कि केंद्र स्थानों के स्वामी कौन से ग्रह हैं और त्रिकोण स्थान के स्वामी कौन से ग्रह हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक कुंडली बना लेता हूँ, तुला लगन ही ले लेता हूँ, और इसी से अभी आपको सारे योग समझ में आ जाएंगे। तुला लग्न में शुक्र जो है लग्नेश है, यानी शुक्र बुध और शनि इस लग्न में कारक होते हैं। कारक ग्रह किसको कहते हैं, लग्न के पंचम के और नवम भाव के स्वामी को कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे इन तीन भावों के यानी त्रिकोणों के स्वामियों को आपको देखना है। तो तुला लग्न में त्रिकोण का स्वामी शुक्र बुध और कौन सा ग्रह है, शनि होता है। तो ये हो गए हमारे त्रिकोण के ग्रह। इस योग को नाम क्या दिया जाता है, केंद्र त्रिकोण संबंध, केंद्र त्रिकोण संबंध का राजयोग, यानी इसमें त्रिकोण भाव के स्वामी लिए जाएंगे और केंद्र भाव के स्वामी। केंद्र में कौन कौन से भाव पड़ेंगे, जब हमने इसको त्रिकोण में लिया तो अब इसे केंद्र में 10 नंबर मतलब शनि हो गया, एक ग्रह केंद्र में, एक ग्रह केंद्र का स्वामी मंगल हो गया और एक ग्रह कौन सा हो गया, चंद्रमा हो गया। अगर किसी भी कुंडली में केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी कहीं भी एक साथ बैठ जाएं तो राजयोग बन जाता है। ये एक साथ बैठें तो राजयोग बनेगा। अब इस कुंडली में यहाँ पर यहाँ का स्वामी शुक्र है और त्रिकोण का स्वामी जो है ये केंद्र में भी आता है, यहाँ का स्वामी बुध यहीं पर बैठ गया, तो अब केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन गया। शुक्र केंद्र का स्वामी हुआ, स्वयं त्रिकोण भी है और बुध त्रिकोण हुआ, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। यह योग जिन दो ग्रहों की युति से बन रहा है, अगर वो दोनों ग्रह आपस में मित्र हों,
आपस में मित्र हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यह योग छठे, आठवें और बारहवें भाव में ना बन रहा हो तो यह राजयोग अपना बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है, पूर्ण प्रभाव देता है। अगर यह योग केंद्र या त्रिकोण में ही बने, इन चारों घरों में बने, इसमें या इसमें बने तो और भी बेहतर है। अगर एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठ जाएं और वो मित्र भी हो और वो 6, 8, 12 में ना हो तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग का पूरा फल व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अगर वो मित्र ना हो, परस्पर शत्रु हो, तो उसका प्रभाव आधा हो जाता है। अगर वही 6, 8, 12 में बैठ गए हो तो प्रभाव और भी कम हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि केंद्र त्रिकोण के राजयोग में जो सबसे प्रबल माना जाता है, अगर किसी भी कुंडली में नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक साथ बैठे, नवम क्या हो गया त्रिकोण और दसम क्या हो गया केंद्र, नवम और दसम भाव के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो वह सबसे प्रबल राजयोग माना जाता है केंद्र त्रिकोण के राजयोग में। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में ही बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है ऐसा व्यक्ति बहुत, क्योंकि दसम भाव का संबंध किससे होता है, पद से, प्रतिष्ठा से, ऊंचाई से, पुरुषार्थ से। व्यक्ति जीवन में कितना ऊंचा उठ जाएगा, कितने अधिक जानने पहचानने वाले लोग रहेंगे, कर्म क्षेत्र का है ना, तो कर्म क्षेत्र से बनेगा तो व्यक्ति का बड़ा यश होगा, चतुर्थ से बनेगा तो लाइफ में लग्जरी बहुत आएगी। तो ऐसे ही समझिए, सप्तम से बनेगा तो भी व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लगन से बनेगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नवम और दसम का केंद्र त्रिकोण का राजयोग बहुत अच्छा बनता है। यही नहीं है, अगर ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ ना भी हो, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, एक दूसरे की राशि में अगर ये बैठ जाएं, यानी एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर लें, तो भी उत्तम क्वालिटी का राजयोग बन जाता है। अब यही राजयोग मैं एक दूसरी कुंडली लेकर के भी आपको समझाता हूं। एक दूसरे कुंडली में किसी दूसरे लग्न की कुंडली लेंगे, यहाँ पर हमने तुला लग्न लिया, इस बार चलिए हम वृश्चिक लग्न की कुंडली ले लेते हैं और वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखेंगे कि किन ग्रहों के योग से यह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। अगर लग्न में वृश्चिक है 8 नंबर तो यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी मंगल, गुरु और चंद्र हैं, तो इनको नोट कर लिया, मंगल, गुरु और चंद्र। केंद्र के स्वामी कौन से हैं, शनि, शुक्र, सूर्य। शनि, शुक्र और सूर्य। अब इनमें से ये तो हो गए त्रिकोण और ये हो गए केंद्र। अगर मंगल और शनि की युति होगी तो राजयोग बन जाएगा, लेकिन दोनों प्रबल शत्रु हैं तो इस राजयोग का 50% हमें कम भी कर देना पड़ेगा। मंगल और शुक्र की युति होगी तो दोनों प्रबल शत्रु नहीं हैं, दोनों अपना परिणाम दे ले जाते हैं। जैसे दो चीज़ें याद रखिए, मंगल और शनि इनकी शत्रुता और सूर्य और शनि की शत्रुता, अगर ये कहीं भी एक साथ होते हैं तो उस भाव को तहस नहस करने लगते हैं। अन्य ग्रहों में अगर भले ही वो शत्रु हैं तब भी उतना प्रतिकूल नहीं देते हैं जितना इन दोनों ग्रहों की युति से हो जाता है। अब मंगल शुक्र हैं तो मंगल लग्न हो गया, यानी यहाँ पे केंद्र त्रिकोण दोनों हो गया, शुक्र केंद्र का हो गया, तो ये थोड़ा अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन मंगल शनि वाला अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मंगल और सूर्य हो गए तो अति उत्तम हो गया, दोनों मित्र हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं और लगन दशमेश का बन गया। गुरु के साथ शनि हो गया, अति उत्तम राजयोग बना। गुरु के साथ शुक्र हो गया, दोनों एक दूसरे के जो हैं स्वभाव के विपरीत हैं, विरोधी नहीं हैं एक दूसरे के, ना एक दूसरे से कोई शत्रुता रखते हैं, बस इतना है कि इनके स्वभाव एक दूसरे से, ये देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, तो भी दोनों में विरोधाभास होने के नाते अगर इसकी युति से यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा तो इसका फल भी 50% कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु उधर खींचेगा तो शुक्र इधर खींचेगा, दोनों दो प्रकार के अलग अलग ग्रुप के गुरु हैं इसलिए।
अगर चंद्रमा शनि से बनेगा तो राजयोग तो मिल जाएगा, लेकिन विष दोष का अपना अलग से प्रभाव होगा। अगर कोई योग राजयोग बना रहा है और कोई दुष्योग भी बना रहा है, तो राजयोग का संबंध व्यक्ति के धन से होता है, राजयोग का संबंध व्यक्ति के सुख से होता है, राजयोग का संबंध व्यक्ति के ऐश्वर्य से होता है। तो ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास धन है, सुख के साधन है, ऐश्वर्य है, बहुत नाम है, तो क्या उसके पास में मानसिक तनाव नहीं हो सकता है? क्या उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वो अलग प्रकार से अपना प्रभाव देगा और यह विष योग अपना अलग प्रकार से देगा। शुक्र चंद्रमा होगा तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा और सूर्य अगर एक साथ होंगे तो इसमें चंद्रमा क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। तो राजयोग तो बनेगा, लेकिन उसका प्रभाव लेने के लिए हमें चंद्रमा को बलवान भी करना पड़ेगा, मोती पहनना पड़ जाएगा इनको। अगर इसमें हम सबसे प्रबल राजयोग देखेंगे तो चंद्रमा भाग्य का स्वामी और सूर्य कर्म का स्वामी, इन दोनों ग्रहों की युति से जहां पर चंद्रमा अस्त हो रहा वहीं में सबसे प्रबल योग बन रहा है। लाभ मिलेगा, व्यक्ति के जीवन में दिखेगा भी, लेकिन अगर हम चंद्रमा को और मजबूत करेंगे तो उस राजयोग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये ग्रह जो राजयोग में आए हुए थे ये एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं तो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर शनि मंगल एक साथ होते हैं तो गड़बड़ होते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे की राशि में बैठेंगे, कोई भी ग्रह हो, प्रबल शत्रु ही क्यों ना हो, अगर एक दूसरे की राशि में बैठेंगे तब वो भी शुभ प्रभाव देंगे। आप हमारे घर पे आके बैठ जाइए, हम आपके घर में बैठ जाएं, आपका नियंत्रण मेरे घर पे है और आपके घर पे मेरा नियंत्रण है। तो अगर आप यहाँ बिगाड़ेंगे तो मैं वहाँ बिगाड़ूंगा, आप यहाँ अच्छा करेंगे तो मैं वहाँ अच्छा करूँगा, यही कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसलिए राशि परिवर्तन किसी भी ग्रह का होगा, भले ही वो प्रबल शत्रु हो, प्रबल विरोधी तत्व के हो, तो वो हमेशा अच्छे होते हैं। और जब भी कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठता है तो वो भी राजयोग की श्रेणी में ही आता है। अब यहां पे शुक्र बैठ गया है, मान लीजिए इस घर में, और मंगल बैठा हुआ है इस घर में, मंगल और शुक्र एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। ये जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, जो स्थान परिवर्तन राजयोग है, अगर ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के बीच में होता है तो ज़्यादा फलदायी हो जाता है। अच्छा, अगर ग्रह दो राशियों का स्वामी है तब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका फल हमको लेना चाहिए? ग्रह के मूल त्रिकोण राशि जहां पड़ती है उसका प्रभाव 70% रहेगा, ये आप जानिए, और जो मूल त्रिकोण राशि नहीं है उसका प्रभाव 30%। यहाँ पे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? वैभाव में है, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? छठे भाव में है। यहाँ पे ये दोनों, अब हम मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन देख रहे हैं तो हमें देखना है कि किसका ये लगन वाला फल और सप्तम वाला फल अधिक है कि द्वादश वाला और खष्टम वाला फल अधिक है। तो आप मूल त्रिकोण राशियों को देखेंगे तो यहाँ पे द्वादश और खष्टम वाला फल अधिक है, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ इसमें हैं, यानी इन भावों के स्थान परिवर्तन का योग बना है। लेकिन यह भी बहुत अच्छा बना है, क्यों? क्योंकि यहां पर दो अशुभ भावों के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दो अच्छे भावों के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन करें, दो बुरे भावों के स्वामी स्थान परिवर्तन करें, दोनों स्थितियां अच्छी हैं। अगर एक अच्छा भाव हो एक बुरा भाव हो तब स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे यहीं पर मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर बैठा होता और सूर्य यहाँ पर आ जाता, अब तो शुक्र जो है द्वादश का स्वामी का फल देगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसकी यहाँ है, लेकिन सूर्य केंद्र का है। सूर्य तो अच्छे भाव का स्वामी हुआ लेकिन शुक्र दुख स्थान का स्वामी हुआ, 6, 8, 12 को दुख स्थान बोला जाता है। तो अब एक अच्छे और एक बुरे स्थान का परिवर्तन होने के नाते जो राजयोग बना उसका प्रभाव आपको 50% ही मिल पाएगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी होता अच्छा ही है।
अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी स्थान परिवर्तन करेंगे तो बहुत अच्छा। बुरे भावों के स्वामी एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन करेंगे तो भी बहुत अच्छा। तो ये स्थान परिवर्तन और केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले राजयोग की तरफ हम चलते हैं। अगला जो हमारा राजयोग होगा वह नीच भंग राजयोग की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अन्य राजयोग हैं, पंच महापुरुष आदि योग हैं, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं नीच भंग राजयोग। कुंडली में ये योग भी देखना है। जितने अधिक राजयोग, देखिए हर कुंडली में राजयोग की संख्या यानी अच्छे योगों की संख्या और बुरे योगों की संख्या हर कुंडली में होती है। व्यक्ति के जीवन में प्रभावी क्या रहेगा ये हम दोनों के बल को निकाल के देखते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में बुरे योगों की संख्या 5 है और अच्छे योगों की संख्या 3 है, तो जो ओवरऑल लाइफ रहेगा व्यक्ति का वह बुरे योगों के ही प्रभाव में रहेगा। अच्छे योग 5 है, बुरे योग 3 है, तो व्यक्ति की जो ओवरऑल लाइफ रहेगी वह अच्छे योगों के ही प्रभाव में रहेगी। ये चीज जानना चाहिए। कुंडली के कुछ ऐसे भी दोष होते हैं जो कुंडली के अच्छे दोषों को खा जाते हैं, जैसे पूर्ण रूप से बना हुआ केंद्रम दोष, पूर्ण रूप से बना हुआ कालसर्प दोष। ये कुछ दोष ऐसे होते हैं जो कुंडली के राजयोगों के फल को खत्म करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे कि कोई पानी सोखने वाला है जो गाड़ियों की सीट में लगता है, स्पंज होता है, अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी अपने अंदर सोख लेगा। तो उसी प्रकार से ये राजयोग के प्रभाव को केमद्रुम दोष और काल सर्प दोष या सूर्य चंद्रमा का कमजोर होना, क्योंकि किसी भी राजयोग का उपभोग कौन करेगा, सूर्य और चंद्रमा ही करेगा। सूर्य चूंकि लगन का कारक है, लग्न माने हमारी शरीर और चंद्रमा मतलब हमारा मन, तो राजयोग का प्रभाव इन्हीं ग्रहों को मिलता है। तो अगर सूर्य चंद्रमा कमजोर हो गए और राजयोग में केमद्रुम दोष या काल सर्प दोष लग गया है तो प्रभाव आपको बहुत कम मिलेगा, अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रख के जो दोष के कारण बाधा हो रही है, पानी की जो सप्लाई हो रही है उस पाइप में कहीं कहीं छेद है, उस छेद को बंद करने से पूरा पानी आउटपुट में जाएगा। वही चीज़ कुंडली के माध्यम से लोग परामर्श करना चाहते हैं। तो नीच भंग राजयोग कब होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। कुंडली में कोई भी ग्रह जब नीच राशि में हो और वह अपने नीच राशि के प्रभाव को छोड़ दे तो उसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। जैसे मोदी जी ने कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धुले, अब सफाई कर्मचारी ठहरे छोटे लोग, लेकिन उनका पैर किसने धुला, बड़े आदमी ने धुला, मान सम्मान वाले आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री ने धुला, तो वे लोग चर्चा में आ गए, उनके साथ बैठने का अवसर मिला, टीवी में आ गए। यानी कोई भी अगर प्रभावशाली ग्रह है, अगर उसके संपर्क में कोई कमजोर ग्रह आ जाता है तो उसे भी समाज प्रभावशाली मानने लगता है। जैसे मेरी स्थिति ठीक ठाक ना हो लेकिन मेरा उठना बैठना किसी बहुत बड़े अधिकारी के साथ हो या मित्रता हो तो उसका असर समाज पे पड़ता है कि अरे फलाने का मित्र है, फला का मित्र है। तो यही चीज होता है नीच भंग में। कौन सा ग्रह, जैसे आप देखिए सूर्य महाराज हैं तो ये 7 नंबर की गिनती पर यानी तुला राशि में कुंडली में कहीं भी होंगे तो नीच के होंगे। चंद्रमा कुंडली में कहीं 8 नंबर पर होगा, मंगल कुंडली में कहीं भी 4 नंबर पर, बुध कुंडली में कहीं भी 12 नंबर पर, गुरु कुंडली में कहीं भी 10 नंबर पर, शुक्र कुंडली में कहीं भी 6 नंबर पर, शनि कुंडली में कहीं भी 1 नंबर की गिनती पर हो तो नीच का होता है। अब इसका जो नीच राशि है यह नीच राशि उच्च का बल प्रदान कर दे तो उसी को नीच भंग कहा जाता है। नीच भंग का देखिए कई सारा नियम है।
अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का हो लेकिन नवमांस कुंडली में उच्च का हो जाए तो वह ग्रह नीच का प्रभाव नहीं देता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या जोड़ा जा रहा है, राजयोग। मंगल यहीं पर नीच राशि में बैठा हुआ है और मंगल का जो प्रतिनिधि, मंगल जिन अंगों का शरीर में करता है, मांसपेशियों का, मंगल भाइयों का, चतुर्थ भाव यानी हमारी छाती पर बैठा हुआ है, तो उन अंगों में तो वो तकलीफ देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पूरा शब्द क्या है, राजयोग, यानी धन सुख साधन वैभव ये देने का काम करेगा, ना कि अपना जो स्वाभाविक जिन चीज़ों का कारक है उसका तो नीच राशि में होने के कारण उन चीज़ों में दुख पैदा ही करेगा। सूर्य नीच राशि में हो गया और नीच भंग हुआ तो व्यक्ति को मान सम्मान यश यानी भौतिक रूप से सामाजिक रूप से व्यक्ति का उत्थान तो करेगा, लेकिन सूर्य के माध्यम से जिन रिश्तों का और अंगों का विचार होता है वहाँ पर तकलीफ आएगी। नीच भंग होता कब है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला तो मैंने आपको ये बताया, लगन में नीच का हो नवमांस में उच्च का हो तो वह ग्रह नीच का फल नहीं देता है, वह ग्रह सम हो जाता है, वह ग्रह आपके लिए बुरा प्रभाव नहीं देगा, अच्छा ही देगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा। लेकिन ये राजयोग नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो भी वह नीच का प्रभाव नहीं देगा। कोई भी नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वह लगभग लगभग उच्च के समान फल देने लगता है, यानी ग्रह के वक्री होने से नीच भंग राजयोग बनेगा, यह पहला हो गया। जो ग्रह नीच राशि में बैठा है अगर उसी के साथ कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। यहाँ मंगल चार नंबर की गिनती में नीच का है और चार नंबर की गिनती में गुरु जो है उच्च का होता है, तो अगर गुरु भी बैठ गया यहीं पर तो नीच भंग हो गया, यानी नीच के ग्रह के साथ उच्च ग्रह का होना नीच भंग कहलाता है। बात वही है, इसमें बृहस्पति को उच्च पद की प्राप्ति है और जिसको उच्च पद की प्राप्ति है उसके साथ जाकर के छोटा आदमी या कम पावर वाला आदमी उसके बगल में बैठने को पा रहा है तो वह भी सीना तान के बैठेगा, गर्व महसूस करेगा। तो यही योग होता है कि अगर नीच के साथ में उच्च का ग्रह है तो नीच भंग हो जाएगा। ये सबसे तगड़ा नीच भंग होता है, पहली कैटेगरी का, जो अपना पूरा असर देता है। दूसरा नीच भंग इस प्रकार से होता है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में है और उस राशि का स्वामी भी वहीं पर बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 नंबर की गिनती है, किसी भी भाव में हो 12 नंबर की गिनती में बुध नीच का होके बैठा है और 12 नंबर यानी मीन राशि का स्वामी ग्रह कौन सा होता है, गुरु होता है। अब यहीं पर गुरु भी बैठ गया है तो अब बुध का नीच भंग हो गया है, क्योंकि इसमें जो है स्वामी भी इसी के साथ बैठा है तो बुध को बिगाड़ने नहीं देगा। उच्च वाला जो इसके पहले का सूत्र मैंने बताया वो ए ग्रेड का है, बहुत अच्छा है, ये उससे थोड़ा कम पावरफुल होता है लेकिन ये अच्छा तो बना ही देता है ग्रह को। ये दूसरा योग हुआ। तीसरा योग यह है कि ग्रह जिस राशि में बैठा है नीच का हो करके, जिस राशि में नीच का होके बैठा हुआ है उस नीच राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का हो, बुध बैठा है गुरु के घर में और गुरु कुंडली में कहीं भी उच्च का होकर के बैठ जाएगा तो नीच भंग हो जाएगा। शनि एक नंबर की गिनती पर कुंडली में बैठा हुआ है, अब शनि किसकी राशि में है, मंगल के, मंगल कुंडली में कहीं भी उच्च का होकर के बैठ जाएगा तो नीच भंग हो जाएगा। यानी नीच का ग्रह जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। अगला सूत्र यह है कि जो ग्रह नीच का है उसकी उच्च राशि देखिए, जो ग्रह नीच राशि में है वह जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी उच्च का हो तो नीच भंग। शनि किस राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा दो बार घुमा के बात आ रही है।
शनि किस राशि का में उच्च का होता है? तुला राशि में उच्च का होता है। तुला राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र। अब यही शुक्र अगर कुंडली में उच्च का होगा तो इस शनि का नीच भंग हो जाएगा, यानी दो बार उच्च शब्द से नीच भंग हो रहा है। एक तो नीच का ग्रह जिस राशि में बैठा है उसी राशि का स्वामी उच्च का हो जाए, दूसरा यह है कि नीच के ग्रह की उच्च राशि जो होती है उस उच्च राशि का स्वामी उच्च का हो जाए तब नीच भंग हो जाएगा। इतने प्रकार के नीच भंग ढंग से काम करते हैं। और कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि जिस राशि में बैठा हुआ है नीच का ग्रह, जैसे बुध बैठा है गुरु के घर में, जिस राशि में नीच का ग्रह बैठा हुआ है अगर उस नीच राशि में बैठे हुए राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए, चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है। लेकिन यह उतना प्रैक्टिकली असर नहीं करता है क्योंकि यह ज़्यादातर मामलों में घटित भी हो जाता है, या तो लग्न से केंद्र में आ ही जाएगा या तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से केंद्र में आ ही जाता है, तो यह उतना प्रभावशाली नहीं है। यह तब उतना प्रभावशाली हो पाता है जब ग्रह लग्न और चंद्रमा दोनों से केंद्र में आ जाए। इस उदाहरण को मैं और स्पष्ट करके आपको समझाता हूं। यहां पे हम शुक्र को नीच राशि में ले लेते हैं। शुक्र 6 नंबर की गिनती में नीच का होता है। शुक्र नीच राशि में है। अब ये शुक्र किस राशि में है? कन्या। कन्या राशि का स्वामी कौन सा है? बुध। अब यह बुध ग्रह जो है लग्न से केंद्र में हो, लग्न तो हमेशा यही रहेगा, लग्न से केंद्र में हो यानी यहां हो, यहां हो, यहां हो, या फिर यहां हो, या फिर कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से केंद्र में हो, तो चंद्रमा से केंद्र जोड़िए, यानी एक तो यही हो गया पहला घर, 1, 2, 3, 4 और 7, 8, 9, 10, ये तो सूत्र जो कहता है कि नीच राशि में स्थित ग्रह का राशि स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए भाव ही कितने बचते हैं, यानी ज़्यादातर मामलों में नीच भंग हो ही जाना है और मिलता भी है, लेकिन जीवन में उस प्रकार के उनके रंगत नहीं रहती है। तो इसको और दुरुस्त करके देखिए, जब आप कुंडली देखेंगे हर चीज में किसी भी क्षेत्र में अपना अनुभव सबसे बड़ा होता है, यानी जो चीज आप अनुभव करके सीखेंगे वह आपको हमेशा काम आएगा। किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड 10 पर पहुंच जाता है तो भी तकलीफ नहीं होती है, और किसी व्यक्ति को 7 पहुंचते पहुंचते ही बहुत तकलीफ हो जाती है। तो यह अपने उस व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर होता है। कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के योग ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अब यही अगर लग्न और चंद्रमा दोनों से केंद्र में होगा तो यह योग प्रबल होगा, सिर्फ लगन से होगा या फिर चंद्रमा से होगा तो यह राजयोग नाम मात्र का रह जाता है। तो यह आपको नीच भंग राजयोग समझ में आ गया होगा। नीच भंग मैंने आपको समझा दिया, केंद्र त्रिकोण समझा दिया, स्थान परिवर्तन समझा दिया, एक राजयोग होता है दृष्टि संबंध का, उसे भी समझ लीजिए। दृष्टि संबंध राजयोग, स्थान परिवर्तन का मतलब है जब दो ग्रह एक दूसरे के ही घर में रहें, और एक राजयोग होता है जब दो ग्रह आमने सामने हो, तो वो भी राजयोग में आ जाता है। अब दो ग्रह आमने सामने हो और वे दोनों कारक ग्रह हों तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर एक कारक हो एक अकारक हो तब राजयोग नहीं बनेगा। दो ग्रह आमने सामने आ जाएं, कर्क लग्न की मैं कुंडली ले लेता हूँ और इसमें आपको इस कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा कारक है। अब यहाँ पे मैं चंद्रमा को रख लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरा कारक ग्रह मंगल है, मंगल यहाँ पर हो गया। अगर कुंडली के दो कारक ग्रह आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डालें तो भी राजयोग बन जाता है।
एक राजयोग ऐसा बनता है कि अगर कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उस भाव को देख रहा हो तो भी राजयोग बन जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सूर्य मंगल के घर का है, उच्च का भी है, और गुरु भी मंगल के घर का, और मंगल की चौथी दृष्टि इस भाव पर पहुँच रही है, 1, 2, 3, 4 मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर में बैठे हुए ग्रहों को देख रहा है, तो यह बहुत अच्छा राजयोग बना दिया, डबल राजयोग हो गया। एक तो सूर्य उच्च का है, कुलदीपक बनी गया। अगर दशम भाव में अग्नि तत्व का कोई ग्रह होता है तो कुलदीपक योग बनता है, अग्नि तत्व में सूर्य आ जाएगा और मंगल आ जाएगा। अगर दशम भाव में अग्नि तत्व का ग्रह हो या उच्च का ग्रह हो तो कुलदीपक योग बनता है। अगर अग्नि तत्व का ग्रह उच्च का हो जाए तो और भी अच्छा है, यानी अग्नि तत्व को प्राथमिकता दशम भाव में, अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, अग्नि हमेशा जला देती है, जला के शुद्ध। तो दशम भाव में अग्नि तत्व होने से व्यक्ति रास्ते के सभी रुकावटों को जला देता है, लड़ता है उनसे, भिड़े रहता है और हमेशा ऊंचा उठना चाहता है, यानी संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर दृष्टि के द्वारा भी राजयोग बन गया। अब यहीं पर मान लीजिए बुध महाराज बैठे हुए हैं और इस पे शुक्र की दृष्टि पहुँच गई, तो बुध किसके घर में है, शुक्र के, और शुक्र देख रहा है, तो यहाँ पर भी राजयोग बन गया। अगर आपकी कुंडली के दो कारक ग्रह, कोई भी दो कारक ग्रह या कोई भी दो अकारक ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करें तो भी राजयोग बनता है, परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में हो। यानी दो कारक ग्रह जो हैं, जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में बैठ गया और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ गया, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, यानी नक्षत्रों के परिवर्तन से भी राजयोग बनता है। अगर दो कारक ग्रह अच्छे भाव के स्वामी, धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी परिवर्तन करे, परिश्रम भाव का स्वामी दशम से संबंध करे, भाग्य यानी इसमें 6, 8, 12 को छोड़ के अन्य किसी भी भाव के स्वामी परस्पर परिवर्तन करें, तो नक्षत्र परिवर्तन करें, एक दूसरे के नक्षत्र में जाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर 6, 8, 12 के स्वामी करें तो 6, 8, 12 के ही स्वामियों के साथ करें तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ये नक्षत्र परिवर्तन राजयोग हो जाता है। तो कुछ राजयोगों को आज मैंने आपको समझाया है। जहाँ पर ग्रहों की युति से संबंधित, ग्रह युति से संबंधित कोई चीज़ देखनी है, वहाँ पर आप भाव के बजाय ग्रहों के अंश वाइज देखेंगे। एक ही भाव में युति है तो ठीक है, एक ही भाव में ना भी हो तो भी युति हो जाती है। अगर दो ग्रहों के बीच 30 अंश से कम की दूरी होती है तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा।